मायूस नहीं
नहीं होना चाहिए। हमारा जो काम था वो हमने कर लिया, और अपने इजलास का जो काम था उन्होंने कर लिया। हजरत की आमद हो गई, अल्लाह के फैसले को बस रोचक कबूल करना चाहिए। हम नहीं जानते कि इसमें क्या राज था, क्या हिम्मत है, क्या मसला है। हम राहुल आजमीन के फैसले से सामने सर के दावत और सर के बारे में हम काम करें। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में मैं 4 और 5 मई को सुल्तानपुर आ रहा हूँ। ये कसर वहां पूरी की जाएगी और कला के सलासा का ऐसा अजीब मौजू है जिसकी बेवक्त राजनी नहीं छेड़ी जा सकती। इसलिए बहुत कुछ चाहने के बावजूद मैं आज उस मैटर और उस मसमूस पर बोलने से कासिर हूं। अखबारात में मेरे बयान मुसलसल आ रहे हैं, हर बुल को इंकलाब में मेरा एक अलग मजबूती के साथ पाबंदी के साथ शायद होता है। आप लोग उसे जरूर गवाह करें। करंट हालात पर मैं लिखता हूँ और सुलगते हुए मसाइल से तलब चलता है। आज की बल शबे मेराज के ताल्लुक से सजाई गई है। जिस पैगंबर आजम को उरूज इर्तिका मुकद्दस शब में नसीब हुआ, उन्होंने हमें उरूज इर्तिका वाला दीन भी अपनाया और उस दीन के जाब्ता हयात के साथ छेड़छाड़। एक मरतबा 1984 में हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका औरत के नामनाफा के मसले में जो फैसला किया था वो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के खिलाफ था। मुस्लिम स्पेशनला के लिए उठा हुआ चैलेंज था और हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए मुसलसल 3 साल तक मुल्क में मुस्लिम स्पेशनला की हिफाजत के लिए बड़ी जारी की थी। 1986 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुल्क की हुकूमत ने पार्लियामेंट में बदलने पर अपने लोगों को पाया है और ये पहला वाकया था हिंदुस्तान का कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट ने डिलीट किया और मुस्लिम सिस्टम का बहाल हाल। अब फिर तलाक़े सलासा का मसला आ गया, फिर हम लोगों का इम्तहान है और पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत के बहरे कान खोले जाए, अंधी आंखों में हकीकत के सुर में लगाए जाए और सच बोलने पर और लोगों में बोल दिए जाए। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि पूरे मुल्क में पागलों की तरह चीख रहा हूँ, आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस सिलसिले में हम लोगों को कामयाबी अदा करें। गवर्नमेंट ने भाड़े की कुछ औरतों को इकट्ठा करके नकाब पहनाया और मुस्लिम बिस्मिल्लाह के खिलाफ एक बदनाम जमाना तहरीक चलाई। उसके खिलाफ हमने ऑल इंडिया मुस्लिम बिस्मिल्लाह बोर्ड के रूप की हैसियत से तहरीक चलाई और लॉ कमीशन के मुंह पर 5.5 करोड़ हिंदुस्तानी मुस्लिम औरतों का सिग्नेचर हकीकत के थप्पड़ की तरह हुआ।
हम बात करेंगे, कभी आज मौका नहीं है। आज तारीख का नाम शबे मेराज की मानवीयत और एफआरडीयत पर उस आपसे गुफ्तगू कर ले। शबे मेराज मेराज की इस्लामी तारीख में तमाम अंबिया किराम से ऊंचा मकाम हमारे और आपके नबी का है। सबसे आला वाला हमारा नबी, सारे नबियों से बाला हमारा नबी, जिसको शाया है जुलूस है वो सुलझाने वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कर्मों बदली रसूलों की आती रही चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह जाए जाए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और कमजोरों को रोजा मुहबत दी देते है बेबसों का सहारा हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जितने भी तारीखी वाकयात थे हर नबी के मुकाबले में हुजूर के तारीखी वाकयात एक नई मुजरत का मकाम रखते हैं। सरकार ने जैसी हिजरत की वैसी हिजरत किसी की नहीं थी, सरकार ने जैसी मुसीबत उठाई वैसी मुसीबत किसी ने नहीं उठाई, सरकार ने जैसी इबादत की सरकार की इबादत के मकाम पर तक कोई इबादत नहीं पहुंची। सरकार को सैर आसमानी कराई गई इतनी ऊंची सैर भी किसी की नहीं हुई। तो हुजूर की जिंदगी के ये जो जाहिरी 63 साल अदवार था इसमें 40 साल की वो मासूमियत और पैगंबरी के इजहार के बगैर बशरियत कामिला अपना जलवा दिखाती है। जैसा बशर दुनिया में न पैदा हुआ न पैदा हो सकता है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे एक न एक बनाया तुझे हम न खुलाया। हुजूर की जिंदगी में मुसीबतों के तल बादल आते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे महबूब पर जो मुसीबतों के पहाड़ मिले हैं उनसे ज्यादा मुसीबत किसी नबी ने नहीं उठाई, किसी रसूल ने नहीं उठाई, किसी फाजिल बशर ने नहीं उठाई। हुजूर की मुसीबतों का हाल यह था कि कुरान करीम कहता है अलम नशरह लका सदरक, मेरे हबीब क्या ऐसा नहीं हुआ कि हमने आपका सीना कुशादा कर दिया। अलम नशरह लका सदरक, हमने आपका सीना खोल दिया। आपकी पीठ पर जो बोझ था हमने उसे उतार दिया, आपका जिक्र हमने आपके लिए पलट दिया। हुजूर को पत्थर मारे जाते रहे, गाली दी जाती रही, पीठ पर ऊंट की ओझली हालत में नमाज में डाल दी जाती रही, पाए मुबारक के नीचे रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे, पैर में चुभते थे, सहने काबा में नमाज पढ़ते थे तो गले में काफिर लोग चादरें कांटे की तरह डालकर खींचते थे और कोशिश करते थे कि जब भूल जाए और मर जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से नबूवत का ऐलान किया तब से दुश्मनी की एक सोनाली तूफान मुश्किल की 40 साल से जिंदगी जिन काफिरों और मुसलमानों ने देखी थी
वो हुजूर की पाकीज़ा जिंदगी के इस कदर कायल थे कि हुजूर का नाम अदबन न लेकर हुजूर को उनकी सिफत अमानत से पुकारने लगे। अमीन जा रहा है, साजिद जा रहा है, सच्चों का रखवाला जा रहा है, अमानतों का निगहबान जा रहा है, और एक तरह से हुजूर का घर लोगों की अमानतों का बैंक बन गया। अगर 40 साल के बाद और हुजूर ने अल्लाह की बात सुनानी शुरू की, वहदानियत के कलमे का ऐलान किया, तो आगे जो कि कबीले कबीले कबूते जुदा था, किसी का हुक्म था, किसी का सफा था, लोगों ने अपने बातिल खुदाओं के इश्क में सच्चे खुदा के सच्चे नायब अकबर पर जुल्म और सुबह के तीर खींच लिए। इस कदर सताया गया कि मक्के के दरो दीवार चीर उठे, मक्के की जमीन पत्थर की, वहां के पहाड़ पत्थर की, वहां के लोगों के हाथों में भी पत्थर, उनके दिल भी पत्थर, और रहमतुल्लिलालमीन पर वो मस्त सिदर सिदर गए। धीरे धीरे इस्लाम बढ़ता रहा। जब अहले बगदाद ने जुल्म और सितम की इंतहा करा दिया, तो सरकार ने मक्के से बाहर निकलकर ताइफ गए। एक सरसब्ज शादाब मकाम है शहर ताइफ, पहाड़ियों पे है, जैसे हमारे यहाँ नैनीताल, हमारे यहाँ दार्जिलिंग है, इसी तरह से वो मकाम है, ठंडा मकाम है, अंगूर की खेती होती है, फसलें लगाई जाती हैं। वहाँ के तीन कबीले थे, तीनों के सरदार के पास नूर इस्लाम की दावत लेकर पहुंचे। सरदारों ने चाला की क्या किया, हुजूर ने तो दावत इस्लाम पेश कर दिया। सरदारों ने कहा, आपकी दावत पे हमारा दिल लब्बैक कहने के लिए तैयार था, इसलिए आप तशरीफ ले गए। अब जब हुजूर चले तो उन अवकाशों में वहां के मुंडे गुच्चे शोजों को खामोशी से हुजूर के पीछे लगा दिया कि इतने पत्थर बारों के मोहम्मद मक्का तक ना पहुंच सके। कुफ्र का मिजाज हमेशा यह हो गया है कि वो सामने नहीं आता, जितनी जुटी बातें करता है, और पीछे से साजिशी करवाने करवाकर लोगों के जरिए फसाद के शोले हवा में उछालता है। आप अपने यहाँ भी देखते होंगे, कोई बड़ी जात बरादरी का आदमी फसाद में दिखाई नहीं देता, फसादात में हमेशा छोटी जात बरादरी के लोग इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, पैसा बड़ी जात बरादरी का जरूर होता है, साजिश और षड्यंत्र बड़ी जात बरादरी की जरूर होती है। ये सब कुछ अहले ताइफ है, नबी पाक के साथ थी। इतने रंजीदा आप मालूमा से सुना होगा, इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि अल्लाह के हबीब के नशी तारी तारी खून के फव्वारे उछलने लगे। जैद बिन हारिसा हुजूर के गुलाम साथ साथ कंधे पे लाद कर एक चश्मे के किनारे लाए, जहां अंगूर का बाग था, पानी से हुजूर के जिस्म से रिश्ते हुए खून को धोते रहे, मुबारक जूती में खून इस तरह से चिमट गया था कि पैर से मुकद्दस जूती को निकालने में जनाबे जैद को परेशानी हो रही। जैद रोते रहे, अल्लाह के हबीब पर गश्त पे गश्त आया, जब मेरे सरकार ने आंख खोली, खून में लहू लहान पैदों पर ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और अर्ज किया, हे मेरे वाले वाले, क्या तू मुझसे नाराज हो गया है? हे मेरे अल्लाह, क्या तेरे नजरे रहकर मुझसे फिर गई है? मेरे रब, अगर ऐसा नहीं है और यकीनन ऐसा नहीं है, तो मुझे इन कुफार के जुल्म और सितम की कोई परवाह नहीं है। मेरे मालूम ये नाराज हैं तो
करेक्ट होना राजा था। तेरी रजा मोहम्मद को हर वक्त हर लम्हा चाहिए और तेरे लिए मोहम्मद अपने जान माल माल कुर्बान देने के बाद भी तेरी वकीलत कहाँ करा नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी की इतनी दर्दमंद दुआ थी दोस्तों अमीर की तैयारियाँ मलकुल जबाल की हाजिर हो रबुल आलमीन का हुक्म और फरिश्तों को भी जाके मेरे महबूब से कह दो कि अगर वो इशारा करें और हुक्म तो ताइफ के दोनों तरफ की पहाड़ियों अहले ताइफ के इस तरह से तंग कर दिया जाए कि उसी में दो चक्कियों के पार्ट की तरह पूरा शहर शायद पीस 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 हजरत जैद इब्न हारिसा ने सोचा कि इन जालिमों का जवाब तो यही होना चाहिए। हाथ उठाया आया कहने के लिए अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया दुआ कर रहे थे। जैद समझ रहे थे कि हलाकत की दुआ होगा मगर रहमतुल आलमीन थी अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फैनहु ला यअलमून ऐ अल्लाह मेरे इस कौम को हिदायत दे दे ये मुझे पहचानती नहीं। मैं रहमत बनकर आया हूँ जहमत के बादल उन पर नहीं बरसा सकता। या अल्लाह या तो इन्हें साहिब ईमान बना दो या अगर ये साहिब ईमान नहीं होते तो इनकी आने वाली नस्लों में इस्लाम से इसी नेमत के ऊपर जब हुआ आज आप देख रहे हैं पैगंबर की वो दुआएं तारे मंदाना था वो तारे खाना लाते उसका की परस्तिश होती थी याद कराए वाले कई बातें पर वहां से जब हुजूर लौटे बहुत ज्यादा मजबूत थे रंजूर थे और तारे से वापस आने से बाद अपनी खुली लाल पहन के घर गए खाने खावा के बाजू में चल गए नाम उनका उम्मानी था। इधर नबी पाक सोए हैं जुल्म की इंतहा न हो गई है अब मैं आ रहा हूँ असल मकसद बेपनाह जुल्म हुआ है जिस रब के लिए ये जुल्म सह रहे हैं जिस रब के अहकाम को अमली जामा पहनाने के लिए रोशी रसों के पहाड़ हमें ऊपर ले रहे हैं उस रब ने देखो कि अल्लाह के लिए आप मुसीबत उठाओगे तो जैसी मुसीबत होगी वैसा ही हाजिर रहेगा। बेपनाह मुसीबतें घेरे हुए वाले रब का फसबीर का हुक्म था तेरा ने हक करते रहिए पत्थर अगर आ रहे हैं तो रब के लिए सब उतर लीजिए गालियां आ रही हैं तो रब के लिए सब उतर लीजिए लोग कत्ल की साजिश कर रहे हैं तो रब के लिए सब कर लीजिए मगर रब का फकर फिर रब की तकबीर रब की बड़ाई का नारा मुसलसल लगाकर रहिए। जब जुल्म की इंतहा होगा तो इंतकाल का भी दरवाजा खोल दिया नबूवत दी गई थी रिसालत दी गई थी अखलाक दिया गया था रहमत दी गई थी अब एक अजमत का ऐसा दरवाजा खोला गया जो दरवाजा किसी नबी पर नहीं खुला था किसी रसूल पे नहीं खुला था किसी बाइज़त और मौज़ूम हस्ती पे नहीं खुला था। 70,000 फरिश्तों के साथ जनाबे जिब्रील अमीन हाजिर हाजिर अल्लाह के हबीब जख्मजदा इंसानियत के कभी की आँख लगी लगी और जिब्रील अमीन ने जगह और अर्ज किया हुजूर जमीन वालों ने आपको अपने जैसा समझ के दुख दिया जमीन वालों ने आपकी हस्ती को नहीं समझा जमीन वालों ने आपके मर्तबे को नहीं समझा लीजिए आज आपको एक ऐसा मर्तबा उफ़ाते आला से तस्वीर किया जा रहा है जो न पिछड़ों को मिला था न अगलों को मिला रब्बुल आलमीन ने मुझे भेजा है आपके पास अपनी मुलाकात के लिए अल्लाह ने आपको बुलाया है। आपने उलमा से सुना है तो बातें की तफसील में नहीं जाऊंगा मैं उसका खुलासा बयान किया चलिए चलिए अल्लाह ने बुलाया और ऐसा फलसफा जहां इनकार करे वहां बुला मंतिक जहां फेल हो जाए वहां बुला इदराक को जहां मौत आ जाए वहां बुला शऊर जहां घायल हो जाए वहां बुला अक्ल जहां फेल हो जाए वहां बुला इल्म यहां पे दस्तोफा हो जाए वहां बुला आइए हुजूर चलिए अल्लाह ने
आपको अपनी मुलाकात के लिए बुलाया है, आपको रोज की आखिरी सीढ़ियां बचा हुआ है। मेराज के माना है सीढ़ी, जिस सीढ़ी पे चढ़ के आदमी ऊपर जाता है। मेराज के माना सीढ़ी की, और ऊपर आदमी सीढ़ी के जरिए ही तो जाता है ना। इस रात में वो नूर की सीढ़ी दी गई है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने का रास्ता बना। मक्का से सरकार चले थे। अब कुरान करीम क्या कहता है उसे सुनिए। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, बात है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात, मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा, खाने काबा से मस्जिद अक्सा तक। ये है रसूल पाक का जमीनी सफर। एक ऐसे इज्जत का मकाम इस रात में हुजूर को दिया गया कि इतना ऊंचा मरतबा किसी शहंशाह का तसव्वुर भी हो नहीं सकता। ये तो सफर हुआ है मक्का से बैतुल मुकद्दस तक। अब उसके बाद आसमानों का सफर। अब जबान ने एतराज करना शुरू किया, आसमानों में सीढ़ी नहीं लग सकते, आसमानों से मादी इंसान का जिस्म गुजर नहीं सकता, रास्ते में कुरए नार है उसमें इंसान बर्बाद हो जाएगा। ओकला और फलासफा ने साफ तरीके से इनकार कर दिया कि यह नामुमकिन है कि आदमी खलाओं और फजाओं में तो जा सकता है मगर आसमानों का सीधा चीज इम्पॉसिबल ना होता। मगर जिस खुदा की शान अंदर लहा अला कुल शय शरीर, हर चीज पे वो कुदरत रखता है, कुन फयकून, जब कहता है कि हो जाए तो वो चीज हो जाती है। नबी पाक ने अपना दावा तो नहीं किया था कि मैं आसमानों पे गया, हुजूर ने ये दावा नहीं किया था कि मैं बैतुल मुकद्दस गया, हुजूर ने ये भी दावा नहीं किया था कि मैं अर्श आसमान पे गया। गए जरूर मगर दावा इस शान से किया कि मेरा रब ले गया तो मैं गया, मेरा रब ले गया तो मैं गया। सारे एतराजात की छुट्टी यही हो जाती है। सुभान अल्लाह, पहले मेराज का वाकया बयान करने से पहले अल्लाह अपनी शान बयान कर, अल्लाह अपनी पाकी बयान कर, अल्लाह अपनी बेआईबी बयान कर। किसी काम का ना होना ये आदमी की कमजोरी होगी, किसी खाल का पूरा ना करना ये आदमी की मजबूरी। अल्लाह कमजोरी से पाक है, अल्लाह मजबूरी से पाक है। इसीलिए कहा सुभान अल्लाह पाक है वो ज़ात, यानी ये जो सफर हो रहा है अल्लाह रब से पाक है। बशरी जिस्म को आसमानों तक ले जाने में भी उसकी जरूरत, जन्नत की तरफ भी पहुंचा देने में उसकी जरूरत, काबिला को कोई नहीं रोक सकता। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। देखिए रिसालत मिल चुकी थी, नबूवत मिल चुकी थी, बंदे भी हैं, मगर कुरान ये नहीं कहता कि सुभान मजी असरा पे रसूल ही गए। पाक है वो जात जो ले गई अपने रसूल को रातों रात। कुरान कहता है पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। अब यही इस मसले को भी आप समझ लीजिए कि एक है रिसालत और एक है अबदीयत। हमारे आका की रिसालत से हमारे आका की अबदीयत बहुत ऊंची है। रिसालत नाम है अल्लाह के पास से बंदों के पास आने का, आसमान अजमत से जमीन पर आने का, और अबदीयत नाम है जमीन से ऊपर जाने का, अबदीयत नाम है माबूद तक जाने का। तो रब्बुल आलमीन उन्हें अब्द के नाम से यहाँ याद करता है। सुभान अल्लाह असरा से अब्द ही लेगा, बात है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। अब हुजूर का ये सफर कैसे हुआ? उलमा से आपने सुना है कि मुराद आया था मक्का से बैतुल मुकद्दस का सफर मुराद की सवारी पर, वहां से फिर आसमानी सफर। तो ये बुराक का सफर मक्का से बैतुल मुकद्दस तक, जमीनी सफर हुआ। बुराक दौड़ता रहा, नबी बुराक पर सवार हैं, मलाइका के सफर
सच में, और वहां से मुराद बोले। सवाल ये है कि जो मुराद बैतुल मुकद्दस जाके हुआ था समाप्त नहीं हो रहा, वो मक्का से कैसे हुआ? इससे पहले बोलने का फजा में कोई तस्वुर तारीख हमारे सामने नहीं डाली। याद रखिए, उर्दू सत्ता का वहां से दौड़ाया नहीं गया, मक्के से, वो मक्के से 67 दौड़ाया गया यरूशलम तक, और यरूशलम से उसको लाया गया। आने वाले दौर साइंस के लिए इल्म का दरवाजा शबे मेराज खोलती है। हमारा जहाज से बम्बई से हम चले तो जहाज स्टार्ट हुआ तो फौरन